यहाँ के बीजेपी के एमएलए बोले, प्रेस का स्टेटमेंट है, मैं 2500 करोड़ दिया तो कर्नाटका का मुख्यमंत्री बन जाता हूँ। अब पूछना पड़ेगा तेरे के 2500 करोड़ कहाँ से आए रे? अलादीन का चिराग है क्या? गसे तो निकल रहे, 2500 करोड़ गसरे निकल रहे। 70 कंट्रीज को हम गोश्त एक्सपोर्ट करते, कितने 70 ममालिक को गोश्त हमारा जाता। अब इन्हू क्या बोल रहे, हलाल पे थूक के धर्म परिवर्तन करते। बंद कर दो ना, ये बंद कर दो। कौन बोल रहा है ले जाओ एक्सपोर्ट करो? इन्हू बोले बीजापुर इज ऑलमोस्ट लाइक पाकिस्तान। मोदी जी, क्या बीजापुर पाकिस्तान है? आपका आदमी बोल रहा है इट इज ऑलमोस्ट लाइक पाकिस्तान। नो, इट इज इंडिया एंड इट विल ऑलवेज बी इंडिया। बीजापुर विल बी इन इंडिया ओनली। बीजापुर इज द हार्ट ऑफ कर्नाटका। बीजापुर इज द हिस्ट्री ऑफ कर्नाटका। बीजापुर के ये गुंबद है, बीजापुर और कर्नाटका की खूबसूरती को दिखाती है, आदिल शाह की, निजाम शाह की और बैमनी बादशाहों की। अब मैं यहां पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहता हूं कि आपका यहां का एमएलए ये कह रहा है कि यहां के बीजेपी के एमएलए बोले, प्रेस का स्टेटमेंट है, मैं 2500 करोड़ दिया तो कर्नाटका का मुख्यमंत्री बन जाता हूं। बोले ना, बोले बोले, डर के नहीं बोलना, बोले नहीं बोले। अब पूछना पड़ेगा तेरे के 2500 करोड़ कहां से आए रे? 2500 करोड़ तेरे को कौन दिया? कहां से आए? अलादीन का चिराग है क्या? गसे तो निकल रहे, 2500 करोड़ गसरे निकल रहे। हैं? तेरे कहने मोकिला है, अजिन्नात की फौज है, 2500 करोड़ दिए तो प्रधानमंत्री जी आप तो गरीब है, आप तो बोले मैं झोला लेके चले जाऊंगा, मगर देश के प्रधानमंत्री 2500 करोड़ समझ में नहीं आया, इन्हें भी क्या लंबी छोड़ रहा क्या? वाह, 2500 करोड़ दिए तो बन जाता हूं मैं। अच्छा, बीजेपी में शायद मुख्यमंत्री बनने की फीस यही छे, नहीं मालूम उन्हें बोले, बोल तो बोल रहा हूं मैं, ये प्राइम मिनिस्टर को बोलना पड़ेगा, मैं इनसे नहीं पूछूंगा, मैं बड़ों से बात करता हूं, लेवल के लोगों से, उनको बोलना पड़ेगा 2500 करोड़ कैसा है भाई। अब ये बेचारे पुलिस वाले जो काम करते हैं उनको क्या 1,00,000, 1,50,000 उनको सोचेंगे और अम्मा पोस्टिंग का क्या होता कि अब अने अब 2500 करोड़ मामूली बात है, मगर कुछ नहीं तो शायद प्राइम मिनिस्टर को मालूम भी होगा। अच्छा, हम प्राइम मिनिस्टर से दूसरा सवाल कर रहे, आपका एमएलए ये बोला कि हलाल गोश्त के वो लेके धर्म परिवर्तन करते, बोले ना, बोले ना, बोले नहीं बोले? हाँ, या मैं झूठ बोल रहा हूं? अब आप ये बोलो, आपको मालूम हम जो भारत से गोश्त एक्सपोर्ट करते, 70 कंट्रीज को हम गोश्त एक्सपोर्ट करते, कितने 70 ममालिक को गोश्त हमारा जाता, ममालिक को एक्सपोर्ट करते, उसमें कौन से मुस्लिम ममालिक हैं? मलेशिया, इजिप्ट, मिसर, इंडोनेशिया, इराक, सऊदी अरेबिया भी है रे, यूएई। अच्छा, आपको मालूम कि हमारा जो इंडियन बफलो जाता जून 2020 और 21 में 3,670 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ, कितना हुआ? 3,670 करोड़ 2020-21 में। इन्हों बोले 2500 में सीएम बन जाता हूं, 3,670 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ। अच्छा छोड़ो जी, अब मैं बोर सुनो तुम।
मगर तुम जो बोल रहे सही बोल रहे, मैं नहीं बोलता कुछ भी, मैं नहीं बोला, तुम बोले और तुम क्या बोले सब सुन लिए, मैं नहीं सुना। अब अप्रैल जून 2021-22 में वो 3,670 करोड़ से एक साल में कितना बढ़ गया मालूम आपको? 7,543 करोड़, 7,540 पे 3 करोड़। अब इन्हू क्या बोल रहे, हलाल पे थूकते, धर्म परिवर्तन करते, बंद कर दो ना, ये बंद कर दो। कौन बोल रहा, ले जाओ एक्सपोर्ट करो। सऊदी अरब के बादशाह पूछेंगे, मोदी जी बोलेंगे मित्रों मैं भिजा रहा हूं, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे नहीं मालूम। यूएई पूछेगा, मलेशिया पूछेगा, इराक पूछेगा, 70 कंट्रीज पूछेंगे, आप बोलो बंद करो, तुम धोखा दे रहे, बीजापुर की जनता को लड़ा रहे, हिंदू मुसलमान की नफरत पैदा कर रहे, भारत को डॉलर मिल रहे, भारत को पैसा मिल रहा, भारत मजबूत हो रहा, मगर इन्हू या झूठ बोल रहे, या तो हम ही गोश्त खाते, खाने को खाना नहीं है मुसलमानों को, दलितों को, हमारे गोश्त के पीछे पड़े हुए। तो कितना बढ़ गया एक साल में? 110% बढ़ गया, 3,670 करोड़ से 7,540 पे 3 करोड़। अच्छा आपको मालूम कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं? एक कंपनी है अलाना कंपनी है, कितना एक्सपोर्ट करती है? 2,028 करोड़ का गोश्त एक्सपोर्ट करते। अलाना का मालिक कौन है? सऊदी ओवैसी है? नहीं है। एक अलहम फूड है, 400 करोड़ का एक्सपोर्ट करे। मीशा एक्सपोर्ट 300 करोड़ और HMA एग्रो 290 करोड़। अरे ये पूरे गोश्त खा रहे थे, हमारे पीछे कहीं को पड़े रहे तुम लोग? तुम न खाओ, कोई मजबूर नहीं कर रहा, मगर नहीं ये हलाल। अच्छा ये कौन है रे भाई? अच्छा आपको मालूम बंबई में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट बंबई से होता, 39.9%। अब आपकी सरकार है, बंद कर दो मुंबई में, बंद करो, बंद कर, नहीं करेंगे। बंबई में आपकी सरकार है ना, मुंबई में आप लाके बिठाए ना शिंदे को, उसको बोला बंद कर, बंद कर देगा उन्हें। 39% एक्सपोर्ट बंबई से होता, उसके बाद अलीगढ़, गाजियाबाद, आगरा, वहां भी बंद कर दो, आपके योगी है वहां पर, बोल दो बाबा को, बाबा क्लोज क्लोज। तो मालूम क्या हुआ? अब आप एक बात समझो, नहीं 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 वैसा नहीं, सुनो मेरी बात। अगर कोई एक भैंस काट के दुकान पे लाके बेचता तो उसने घर को शाम में 11 बजे गए तक 100 या 300 रुपए कमाता। हमारे कुरैशी भाई को है यहां पे, 300 रुपए कमाते ना, 300-400 कमाते होंगे 12-15 घंटे काम करने के बाद। तो इन्हों क्या बोल रहे, उन्हें 300 रुपए नहीं कमाना, उन्हें हजारों करोड़ कमाना। गरीब भूखा मर जाना और अमीर दौलतमंद रहना, क्योंकि इनसे मिला हुआ है। ये कौन सी पॉलिसी है बीजेपी की बताओ? के बोलते हलाल आए तो थूकते, अरे के नहीं थूकते रे। अच्छा ये बोलो, क्या तरकारी हलाल नहीं है? है ना तरकारी हलाल, पानी हलाल है, शराब हलाल है? नहीं है। वो कुत्ते का पेशाब है, पीने वाले भी कुत्ते का पेशाब पी रहे, आप पियो, मैं रोक नहीं सकता हूं। पानी हलाल, थम्स अप हलाल, कोक हलाल, रूह अफजा हलाल, फंटा हलाल, मौसम्बी का जूस हलाल, तरकारी हलाल, पानी हलाल, हवा हलाल। अब हराम क्या है बताओ? तो मालूम हुआ कि गोश्त खाना इन बोल रहे बंद कर देना, क्योंकि गरीब भूखा मर जाना और ये पूरे एक्सपोर्टर्स जिंदा रहना। हम मर जाना, उन्हें जिंदा नहीं बल्कि अय्याशी करना अपने पैसों से। अब ये बताओ, कर्नाटका की बात हम कर रहे हैं,
मैं मीडिया में देखा, ये मीडिया वाले जिम्मेदार हैं इन पे केस बुक करना, ये कैमरा वाले, उन्होंने ये बताए कि बोम्मई सरकार 40% पे काम करती। देखे ना मीडिया में, आप देखे नहीं देखे, देखे नहीं देखे, 40% पे डर रहे कहीं को जी हा? हमको कुछ मिला ही नहीं, 1% भी नहीं मिला हमार को, उनको ही मिल रहा सब। अंदर बैठ के खम्मा में पूरे नंगे बोलते ना, वैसा हाल है। 40% तो करप्शन लेना हलाल है या हराम है बीजेपी वालों, बता दो हमको अब आप, करप्शन हलाल है या हराम है? 40% आप ले रहे, हमारा बेचारा एक गोश्त की दुकान पे 14 घंटे काम करता, कट 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 बांध बेचता बेचारा, उसके पीछे पड़ गया। अब आप ये बताइए, और फिर अब आप और एक बात इन्हू बोल रहे कि नहीं, हाँ इन्हू और एक बात बोले, भाई मोदी जी से पूछना चाह रहा हूं, मोदी जी क्या बीजापुर पाकिस्तान है? तुम आपसे नहीं है, उनसे दिल्ली के बादशाह से पूछ रहा हूं। इन्हू बोले बीजापुर इज ऑलमोस्ट लाइक पाकिस्तान है, ये भारत का अटूट हिस्सा है बाबू, और सुबह कयामत तक रहेगा। मोदी जी आप बोलो ये भारत का हिस्सा है या नहीं है, बोलो मोदी जी। आपका आदमी बोल रहा है इट इज ऑलमोस्ट लाइक पाकिस्तान, नो इट इज इंडिया एंड इट विल ऑलवेज बी इंडिया, बीजापुर विल बी इन इंडिया ओनली, बीजापुर इज द हार्ट ऑफ कर्नाटका, बीजापुर इज द हिस्ट्री ऑफ कर्नाटका, बीजापुर के ये गुम्बदे बीजापुर और कर्नाटका की खूबसूरती को दिखाती हैं, आदिल शाह की, निजाम शाह की और बेमानी बादशाहों की। अब आप बताइए मोदी जी ये कैसा आदमी आपका बोल रहा हमको, इसको सिखाना पड़ेगा, उन्हों सिखा हम नहीं सिखा सकते। फिर मोदी जी आप बोलिए, आप देश के प्रधानमंत्री, आप बोलते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इनका एक वीडियो निकला इसमें उन्होंने बोले कि मैं मुसलमानों का काम ही नहीं करता, बोले नहीं बोले, बोले नहीं बोले। अच्छा इससे पहले ऐसा कोई बोले इनको, इससे पहले मैं जो बोल रहा हूं ऐसा कोई बोले खुलेआम? क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं बोले, कई को नहीं बोले? मिले हुए है जी, औले जौले है दोनों अंदर से, समझे ना, तू मेरी पीठ खुजा मैं तेरी पीठ खुजाता हूं, मैं उसको डराता हूं तू इसको समझा जाके। अब तुम डराए तो भी नहीं डरने वाले, तुम समझाए तो भी नहीं समझने वाले इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, अब इन्हों बीजेपी वाले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलेंगे ओवैसी दुश्मन है, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाल दरवाजा है, वहां पे लाल दरवाजे की मंदिर है, और मंदिर के पुजारियों को उस पुरानी मंदिर को मेरे ख्याल से 4 या 5 करोड़ 3.5 करोड़ रुपये मजलिस की नुमाइंदगी पे दिलाए, कौन दिलाए मालूम आपको? अकबरुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी जाके चीफ मिनिस्टर को बोले, चीफ मिनिस्टर साहब ये मंदिर को पैसे दो, तो हमारा चीफ मिनिस्टर हा बोले यस, हमारा झगड़ा नहीं है इनसे, दो आप, हमारा झगड़ा आरएसएस बीजेपी और कांग्रेस से सियासी झगड़ा है। 3.5 करोड़ रुपए दिए, वही मंदिर के पुजारी साहब कोविड की सेकेंड वेव में कोई अस्पताल में जगह नहीं मिली, अकबरुद्दीन ओवैसी असरा अस्पताल में उनको बेड दिला के इलाज कराए। ये फर्क होता है, ये फर्क होता है। हां मेरे को आप वोट मत दो तो क्या मैं आपको इंसान नहीं बोलूंगा, मैं आपका दुश्मन बन जाऊंगा? और देना नहीं देना वो भारत की आवाम का, जनता का जमहूरी हक है, और आप वोट नहीं दिए उन्हें वहां का भगा दो उसको,
इधर भगा दो उसको, क्या बात है बताओ आप, इतनी नफरत क्यों? क्या ये लोग भारत के नागरिक नहीं है? और जिन लोगों को तुम गाली दे रहे, सुनो, जब मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, अगर सबसे पहले किसी ने अपना खून बहाया तांतिया टोप के साथ, झांसी की रानी के साथ, तो उसका नाम किसका आएगा? मुस्लिम उलमाओं का नाम आता। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा किसने दिया था? मुस्लिम उलमाओं ने दिया था। अल्लामा फजल कैराबादी रहमतुल्लाह अलैह काले पानी की सजा काटे, और जब उनका बेटा उनकी रिलीज का ऑर्डर लेकर आया, उसी दिन अल्लामा फजल कैराबादी अल्लाह के पास चले गए। हैदराबाद के मौलवी अलाउद्दीन, मक्का मस्जिद के इमाम, जुम्मे की नमाज के बाद जनता को लेके निकले हैदराबाद के सुल्तान बाजार में, अंग्रेजों की रेजिडेंसी थी, कहा कि अब अंग्रेजों से मुकाबला होगा। मौलवी अलाउद्दीन को सबसे पहले ले जाकर काला पानी में डाल दिया गया। हमने इस मुल्क की आजादी के लिए सब कुछ किया, मगर आज 75 साल का अमृत उत्सव मना रहे, और हमारे इलाकों का, आप मुस्लिम इलाकों का बॉर्डर में आप सर्वे करा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री ये कौन सा अमृत उत्सव का मना रहे हैं, आप बताइए। आखिर कब तक हमको शक की निगाहों से देखा जाएगा? ये गलत है। इस मुल्क की तारीख में जितना खून मुस्लिम अकलियत और दीगर अपनाए वतन के साथ सबने मिलकर खून बहाया, सुभाष चंद्र बोस के साथ कौन थे? ये जय हिंद का नारा कौन दिए बोलो? ये जय हिंद का नारा कौन दिए? क्या आरएसएस ने दिया? एक मुसलमान सिपाही थे जो सुभाष चंद्र, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ थे, हैदराबाद के थे, जर्मनी में पढ़ रहे थे, नेताजी से मिले तो बोले मैं आपका दीवाना हो गया। जर्मनी से सबमरीन में जब नेताजी एशिया गए तो साथ थे, जय हिंद का नारा भी तो हमने दिया। अच्छा ये तिरंगे का आखिरी डिजाइन किसने मुकम्मल किया? एक हैदराबाद की खातून थी जिसने तिरंगे के फाइनल डिजाइन को उस वक्त की हुकूमत ने अप्रूव किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वतन हमारा है, आपका है, सबका है। इस वतन का कोई मजहब नहीं है। ये वतन ना मुसलमानों का है, ना हिंदुओं का है, ना ईसाइयों का है, ना सिखों का है। ये वतन इन तमाम का है। इस वतन का कोई मजहब ही नहीं है, भारत का कोई मजहब नहीं है। यही भारत की ताकत है, यही भारत की खूबसूरती है, और इस खूबसूरती को आपको हमको मिलके बचाना है।